नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज पर। आज का मुद्दा में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। विश्वास और भरोसा एक ऐसा हथियार है जिससे बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है, लेकिन जब क्या हो, जब उन्हीं नायकों में ही भरोसे की कमी हो जिनके कंधों पर किसी बड़ी लड़ाई का जिम्मा हो। समाजवादी कुनबे में कलह चल रही है, नेतृत्व में अलगाव पनपा हुआ है, ऐसे में बाहर के हालात कैसे संभलेंगे? समाजवादी पार्टी कलह कथा के बाद रैली और यात्राओं के बंदोबस्त में जुट रही है। रैली रथ यात्रा का प्लान बन रहा है, लेकिन सवाल यह है कि बटा हुआ, बिखरा हुआ और झगड़ता हुआ जो दिख रहा है, ये कुनबा जनता का दिल कैसे जीतेगा? इस कलह में अखिलेश यादव को लगातार झटके देने की कोशिश की जा रही है। तीसरा बड़ा झटका अब यह है कि अमर सिंह को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, यानी अखिलेश यादव के पर, ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अखिलेश यादव के पर लगातार कतरे जा रहे हैं। और अखिलेश यादव मुस्कुरा रहे हैं या मुस्कुराते हुए दिखने की कोशिश किए जा रहे हैं। संगठन सड़कों पर खड़ा है, परिवार कई धड़ों में बटा पड़ा है। समाजवादी कुनबे में कलह का इससे कठिन दौर शायद ही कभी रहा होगा। वैसे इस दौर का ये दर्द जरा ज्यादा गहरा है, क्योंकि चुनावी मौसम में तमाम दल जहां अपनी तैयारियों पर रंग रोगन लगा रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की दाल चम्मचों में बट रही है। हालांकि सबके बीच अब सपा के कद्दावर नेताओं ने जनता के बीच कदम बढ़ाने की योजना बनाई है, रैलियों और यात्राओं का मसौदा तैयार किया है। मुलायम संदेश नाम से तो सूबे में पहले से ही यात्रा चल रही है, वहीं अब मुखिया मुलायम सिंह यादव अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में 7 अक्टूबर को रैली का मंच सजाएंगे। इन रैलियों से नेताजी की कोशिश जनता को भरोसे की खुराक देने की होगी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। अपनों से हार कर बाहर जीतना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मशहूर है। एक मुश्किल ये भी है कि अखिलेश यादव को झटके पर झटके दिए जा रहे हैं। अब अमर सिंह को राष्ट्रीय महासचिव जैसे ओहदे पर बिठाया गया है। घटनाक्रम कुछ नहीं है, आपसी कोई बात अगर हुई है तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सब कुछ ठीक कर दिया तब इस पर कोई चर्चा नहीं ने कोई बात नहीं। यूथ इकाई नहीं होगी इस बार, नहीं सब इकाई रहेगी। कहाँ गई इकाई? सब तो ये कुछ नहीं, सब खत्म हो जाएगा, सब मामला ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो आप लोगों के द्वारा पहुँचाया जा रहा है जनता में, वो सब हम लोग ठीक कर लेंगे। आजमगढ़ जनपद में समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी जनसभा, जिसको आप रैली भी कह सकते हैं, होने जा रही है। उसी तैयारी के सिलसिले में आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने बैठक बुलाई थी और सभी लोगों ने एक मत से ऐतिहासिक और उस रैली और जनसभा को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया है। 2012 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने रथ यात्रा निकाली थी। उनके दौरे में उमड़ती भीड़ से ही सरकार बनने की तस्वीर साफ हो गई थी, और इस बार भी अखिलेश यादव के विकास रथ पर रंग रोगन लगकर तैयार है। लेकिन इसकी तैयारियों को कुनबे के लोगों की ही नजर लग गई है। सियासी संग्राम के बीच ही यात्रा मुहूर्त निकला था, तब अखिलेश यादव ने ऐलान किया था वो 3 अक्टूबर से समाजवादी विकास रथ यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन बदस्तूर जारी बवाल के बीच रथ यात्रा के कार्यक्रम को बदल दिया गया, जिस पर खुद मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा था कि अब समय और तौर तरीके बदल गए हैं, लिहाजा अब ज्योतिषी से पूछकर तारीख तय करेंगे। यानी परिवार की कलह ने रथ यात्रा के भी पहिए रोक दिए, लेकिन परिवार में पड़ी दरारों ने विरोधियों को तो झांकने का मौका दे दिया। विरोधियों का कहना है कि इनके पास जनता के सवालों का
कोई जवाब नहीं है। यही वजह है कि जनता के बीच जाने से वो कतरा रहे हैं। देखिए 2012 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता से, जनता को जो भरोसा दिया था कि हम उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त करेंगे, उसको पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार ने तोड़ दिया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई, भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया। तो जनता का भरोसा तो पहले से ही टूटा हुआ है। अभी जो आग लगी थी वो बुझी नहीं है, अभी सिर्फ एक सतही तौर पर थोड़ा शांति जरूर नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से कल ये घटनाएं हुई हैं जिसमें युवा नेताओं को निकाला गया है, उससे ऐसा लगता नहीं है कहीं भी कि एक सपा की जो अंदरूनी कलह है वो कहीं खत्म हुई है। और चाहे मुलायम सिंह अभी रैली करें या अखिलेश यादव अपनी साइकिल यात्रा निकालें, मुझे लगता है जनता का विश्वास जीतना बहुत मुश्किल है। बहरहाल परिवार में पाला खींचा है और संगठन सिसका खड़ा है, ऐसे में मुलायम सिंह रैलियों का रैला करें या मुख्यमंत्री रथ यात्रा निकाले, सवाल ये है कि जब समाजवादी परिवार में आपस में ही किसी पर एतबार नहीं है तो जनता का भरोसा कौन सी बूटी खिलाकर जीतेंगे हुजूर। वैसे भी ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातों को अलग अलग अंदाज में कहा जा सकता है, लेकिन एक जो खास बात आज घटी उसमें यह प्रमुख था, अमर सिंह का महासचिव बनना, महामंत्री का लेटर उनको जारी हुआ है, वो भी कंप्यूटराइज्ड नहीं है, सिर्फ सिग्नेचर नहीं है, हस्तलिखित माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा अमर सिंह जी को नियुक्त किया गया है। आप सोचिए, वो तीसरा व्यक्ति, वो बाहरी है, उसको बाहर निकालना है, उसको बीच में नहीं रखना है, परिवार में वो नहीं आएगा, ये तमाम बातें थी, अब क्या हुआ। और दूसरी तरफ आज इतने पूरे घटनाक्रम के बाद में शिवपाल, अखिलेश और आजम तीनों लोग सामने मुस्कुरा रहे थे, लगा कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं, सब कुछ ठीक है क्या। अमिताभ जी, ये दोनों ही घटनाक्रम आपके भी सामने हैं और इन दोनों ही घटनाक्रम पर आपकी जरूर नजर रही होगी आज दिन भर, कई लोगों से आपकी बातचीत भी होती रही होगी, ये मजबूरी में मुस्कान थी या मोहब्बत की मुस्कान थी वो भी आपने देखा होगा। और मैंने वो लेटर देखा था, हस्तलिखित था, आज तक मैंने फिलहाल अभी तक तो नहीं देखा था, जब किसी को अपॉइंटमेंट होता है तो उसका तो कंप्यूटराइज होता है, दे दिया था, माननीय अमर सिंह जी का तो लेटर हस्तलिखित आया, अब कौन है बीच में, कोई बीच में नहीं है। देखिए देखिए दो तीन चीज मनीष, ये सवाल बहुत लाख टक्के का सवाल है दोस्त, और इसका जवाब तो बेजान दारू वाला भी नहीं दे सकते मेरे ख्याल से। समाजवादी पार्टी तो ग्रहों के चाल से भी परे हो गई, ज्योतिष से भी। हाँ। इसका जवाब कोई नहीं दे सकता कि मुख्यमंत्री कब तक सहेंगे, ये मुख्यमंत्री के ही इनर कॉन्शियस को तय करना है, ये कोई दूसरा नहीं जान सकता। आज मेरी अपनी व्यक्तिगत जानकारी है, मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं था कि अमर सिंह महासचिव बन रहे हैं, ये स्थिति है संवाद की, ये अविश्वास है पारस्परिक, सोचिए ये संवादहीनता है शिखर में, बहुत ज्यादा शिखर, समाजवादी पार्टी के शिखर में विकट अविश्वास और संवादहीनता की स्थिति पसरी हुई है। और यही तो सिचुएशन है अमिताभ जी, इसीलिए तो मैंने ये सवाल यहां पर रखा कि आखिर कब तक स्थितियां, भाई ऐसा होता है लोग कहते हैं कि फटे में टांग मत अड़ाओ, ये हम लोग कोलोक्वियल लैंग्वेज जो है आमतौर पर जो देशी भाषा है इस तरीके से कहते हैं, थोड़ा सा फटा हुआ है लोग उसको और फाड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो हम अनुमति ही क्यों दे, यहां पर तो लगातार ये दरार और चौड़ी होती जा रही है, सिचुएशन यही रहेगी, माननीय श्री शिवपाल यादव ऐसे रहेंगे, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव रहेंगे, अगर कुछ नुकसान इस वक्त देख रहे हैं वो अखिलेश यादव का है, जबकि पूरा का पूरा समारोह अखिलेश यादव के नाम पर ही सजा हुआ है, तो भाई अखिलेश यादव क्यों सहे सब कुछ, क्यों सहे। मनीष, एक ही विकल्प बचता है, आज जो परिस्थितियां समाजवादी पार्टी में निर्मित हुई हैं, अखिलेश यादव के पास एक ही विकल्प होता है कि वह पद से त्याग पत्र दे, और त्याग पत्र देने से पहले कैबिनेट की बैठक बुला के विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित कराएं और गवर्नर को प्रस्ताव दे, और उसके बाद नई पार्टी बनाए, नया मंच बनाए और जनता के बीच जाए। समाजवादी पार्टी में रहकर अब अखिलेश यादव बहुत कुछ नहीं कर सकते ना, उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए,
एक आपको एक जानकारी और देता हूं, आज मैंने सुबह इसको ट्वीट किया था, शिवपाल यादव कुछ दिन पहले हम लोगों ने भी खबर चलाई थी और देश के सारे चैनल्स ने खबर चलाई थी कि राज्य संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश जी होंगे, जी वही संसदीय बोर्ड टिकट बांटेगा। कल शिवपाल यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि नो, राज्य संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष मैं रहूंगा, मुख्यमंत्री उसमें केवल सदस्य होंगे। कहां स्कोप बचा है अखिलेश यादव के पास? अब एक ही विकल्प है, अब वो कहे कि एनफ इज एनफ, आपको हम समझ नहीं आ रहे, हमको आप समझ नहीं आ रहे, चलो भाई अलग अलग। क्या चुनाव की इस पूर्व संध्या पर वो ये साहस जुटा पाएंगे? ये सवाल तो उन्हीं के इनर कॉन्शियस का प्रश्न है। लेकिन यही बात है अमिताभ जी कि अगर वो साहस जुटा लगे तो ये भी हो सकता है कि इतिहास में वो अपना नाम भी दर्ज करवा लें, ये भी हो सकता है कि वो नया चेहरा बनकर उभरे, और ये भी हो सकता है कि शायद ये उनके लिए बहुत पॉजिटिव भी रहे। एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमिताभ अग्नोत्री एडिटर इन चीफ हमारे साथ पहले से ही मौजूद हैं, हिलाल लखवी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, और अरशद आबिद साहब समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं। मसला ये है अरशद आबिद साहब, और सीधे सवाल आपसे ही है कि बटा हुआ जो सियासी रंगमंच पर दिख रहा है, झगड़ता हुआ जो कि दिख रहा है, जो कलह दिख रही है, जो अविश्वास का माहौल दिख रहा है, और अमिताभ अग्नोत्री ने ब्रेक पर जाने से पहले अपने सूत्रों के माध्यम से बात कही कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को पता ही नहीं कि अमर सिंह को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया, इस अविश्वास के बीच में ये कौन सी यात्राएं आप निकालेंगे? ये अखिलेश का आदमी, ये शिवपाल का आदमी, कौन किसके सामने जाएगा, कौन किसके सामने नहीं जाएगा? ये समाजवादी पार्टी लेके जा रहे हैं या अखिलेश की पार्टी और शिवपाल की पार्टी लेकर जा रहे हैं आप? अरशद आबिद साहब, देखिए मनीष जी, समाजवादी पार्टी 1992 में बनी थी, 4 अक्टूबर 1992, और समाजवादी पार्टी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है जिसमें 32 धाराएं हैं, और समाजवादी पार्टी अरशद आबिद साहब क्लास राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी है, क्या है? और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी। मनीष जी आप सुन लीजिए, सवाल का जवाब दे दीजिए मनीष भाई। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल जी, नरेश अग्रवाल जी हैं, और आज मुलायम सिंह यादव जी ने अमर सिंह जी को, जो राज्यसभा के सांसद हैं और पूर्व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, आज उनको समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है, और शिवपाल यादव जी को, शिवपाल भाई साहब को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसा कारण, एक कारण तो आप देखें, एक कारण सभी पॉलिटिकल पार्टी, खासकर हमारी पॉलिटिकल पार्टी में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के अभी तक नियुक्ति निष्कासन, अभी तक नियुक्ति निष्कासन माननीय मुलायम सिंह की तरफ से प्रोफेसर राम गोपाल यादव किया करते थे, क्या मैं गलत कह रहा हूं? आज ऐसा क्या हुआ कि सीधे बगैर टाइपिस्ट के इंतजार किए हुए माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने खुद ही हस्ताक्षर किए कि ये लो अमर सिंह लेटर पकड़ो, तुम आज से राष्ट्रीय महासचिव। राम गोपाल यादव कहां गए, क्यों ऐसा हुआ? देखिए मनीष जी मनीष, आप मनीष जी जवाब दीजिए। अमिताभ जी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और प्रोफेसर राम गोपाल जी समाजवादी पार्टी के अपने साथी को, समाजवादी पार्टी के अपने साथी को बता दूं, आज समाजवादी पार्टी जिस स्थिति से गुजर रही है ना, उसमें लोग खाली लेटर है और कलम जेब में लेके घूम रहे हैं, हाथ की हाथ सड़क पर ही निपटारा हो रहा है। इनको जानकारी नहीं, मित्र को इनको शायद जानकारी नहीं, ऐसा कैसे संभव हो जाए कि जो आपका मुख्यमंत्री है उसको पता नहीं कि आप किसको ज्वाइन करा रहे हैं? और एक बात और इनको बता दें, इनकी जानकारी के लिए आज ही बोलने जा रहा हूं ताकि इनको सनद रहे, एक हफ्ते के भीतर मुख्तार अंसारी की पार्टी के खैर मकदम के लिए भी तैयार रहो, एक हफ्ते के भीतर मुख्तार अंसारी की पार्टी के खैर मकदम के लिए तैयार रहो, लड्डू वड्डू बनवा के रखो, ढोल नगाड़े के साथ उनका भी आगमन होने जा रहा है, ये बता दिया हमने, अब ये संविधान पढ़ते रहे। हिलाल लखवी जी देखिए अमिताभ जी, ये क्या स्थिति बन रही है समाजवादी पार्टी में? हर दिन युद्ध के नए आयाम, हर दिन युद्ध का नया बवाल। आएंगे आपके पास, आएंगे भैया, जवाब दे लीजिए आप। अरशद आबिद साहब आएंगे, आप तो संविधान बताने लगे हमें, तो हमें जाना पड़ा आपसे, आपके पास आएंगे, आएंगे आपके पास में। हिलाल लखवी, संविधान भी, मैं सवाल का जवाब दे रहा था, जवाब नहीं दे पाए।
अमिताभ भाई ने कि हमको पता नहीं है तैयार है जहां तक सवाल उठता है समाजवादी पार्टी के संविधान नहीं आप संविधान बताइए चल रहा है प्रदेश कार्यकारिणी के बारे में अमिताभ आप एक नमूना अभी भी देख लीजिए कोई किसी को सुनने को नहीं तैयार है ये उसका एक नमूना है कि आप जो है वो सवाल किसी से पूछ रहे हैं लेकिन फिर भी वो बोलते चले जाएंगे यही समाजवादी पार्टी है। समाजवादी में इस वक्त स्थिति भी यही है लगभग कि कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है हर आदमी अपना एक्शन अपना रिएक्शन करता चला जा रहा है और जो सबसे ज्यादा अचंभित कर देने वाली बात है वो ये है कि सारे जितने भी एक्शन हो रहे हैं वो अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को ही दागदार बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अगर हम पूरी बात करें सपा की बात करें तो सपा में अगर कोई यूएसपी थी अगर कोई उनके पास प्लस पॉइंट था जो इस इलेक्शन में वो जिसको लेके जा रहे थे वो उनका मुख्यमंत्री और उसका चेहरा था। अब जो है वो जिस तरह से चचा और पिताजी मिल करके उनके चेहरे को लाल काला नीला पीला सब पोतने में लगे हुए है तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो है वो अच्छा नहीं है। आजम खान साहब के कितने ही बयान कैसे ही रहे हो लेकिन उनका एक बयान बड़ा स्पष्ट था कि ये डूबता हुआ जहाज है। सपा को उन्होंने जो डूबता हुआ जहाज आज से 15-20 दिन पहले कहा था उन्होंने पहले से ही देख लिया था कि पार्टी के अंदर क्या गतिविधियां हो रही है और वो आज की तारीख में चरितार्थ होती भी दिख रही है। हमको जो है वो इस बात से कोई चिंता नहीं है कि सपा के अंदर क्या हो रहा है, हमको चिंता इस बात की है कि जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की जितने भी अधिकार हैं उनको एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने नियंत्रण में कर रहा है, मुख्यमंत्री की किसी भी बात के ऊपर वो खड़े खड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको नकार देता है और वो ये आदेशित करता है कि पुराने आदेश समाप्त, अब जो है गायत्री प्रसाद जी जो है वो मंत्री बनेंगे, मंत्रिमंडल उनको दे दिया गया, तो उससे गरिमा खराब हो रही है मुख्यमंत्री की, ये ज्यादा चिंता की बात है। ऐसी शायद दूसरी नजीर जो है वो हमको देखने को नहीं मिली। हाँ ये बात सही है कि जो पार्टियां होती हैं वो मुख्यमंत्री के साथ मंत्रणा करके सलाह करके मंत्रिमंडल के जो चयन होता है उसके ना भागीदार होते हैं। अब इस वक्त जो जो शक्ति जो है वो माननीय अखिलेश यादव जी को दे दी गई है जिसके अंदर वो टिकटों का चयन करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि उनके पास वो चेहरे ही नहीं बचेंगे जिनको वो टिकट दे करके आगे आने वाले इलेक्शन में लाना चाहते हैं। जिस तेजी से वहां पर एक सवाल मैं अपने समाजवादी पार्टी के साथी से पूछ लूं, हमारे साथी को समाजवादी पार्टी के जो साथी हैं उनसे मैं एक प्रश्न पूछ लूं, भैया मुझे ये बताओ क्या परिवार में विचार विमर्श करके निर्णय नहीं हो रहे? अमर सिंह वैसे उसी रास्ते से क्यों नहीं महासचिव बने जिस रास्ते से सारे बनते हैं सपा में पदाधिकारी? मुझे ये तो समझाओ अमर सिंह के लिए अलग रास्ता क्यों? क्या डर था कि चिट्ठी टाइप होगी तो लीक हो जाएगी? क्या डर था कि राम गोपाल के पास दस्तखत के लिए जाएगी तो लीक हो जाएगी? ना रामगोपाल यादव को पता लगा ना मुख्यमंत्री को पता लगा और चिट्ठी अमर सिंह जी के हाथ में। भैया अरशद आबेद देखिए अमिताभ जी पहला चूंकि आप देश के बड़े आप देश के बड़े जर्नलिस्ट हो और ये आपका अपना राजनीतिक विश्लेषण है, हम आपकी इज्जत करते हैं हमेशा करते रहेंगे लेकिन पहले मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि समाजवादी पार्टी में प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी उन लोगों को पार्टी से निकालते थे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होते थे या और हमारे जो स्टेट है उनमें स्टेट प्रेसिडेंट होते थे और जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते थे। अब से पहले अखिलेश यादव जी प्रदेश अध्यक्ष थे, आप उठाकर देख लीजिए उन्होंने कम से कम 200 कार्यकर्ताओं को पार्टी से बर्खास्त किया, सब अखिलेश यादव जी को जो प्रदेश अध्यक्ष की लेटर पेड थी उस पर जारी होते थे, आप दिखवा लीजिए एक बार हमारे पार्टी कार्यालय पर। और प्रदेश में जो निष्कासन होंगे वो शिवपाल भाई साहब की लेटर पेड पर जारी होंगे क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो राजनीति कमजोर है आपको पार्टी की भी जानकारी नहीं पहले जाते होते रहे। आबिद साहब आप माफ करिए आपको पार्टी की भी जानकारी नहीं है अमिताभ, ये राष्ट्रीय महासचिव बने हैं अमर सिंह, आपको पार्टी की जानकारी नहीं भाई, मुझसे ज्यादा महासचिव पार्टी के बारे में महासचिव की नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष कैसे करते हैं आप पहले दिखवा लीजिए आप समाज आपकी जानकारी कम है मित्र,
आपकी जानकारी कम है, सुन तो लीजिए। अभी आपने आधा जवाब दिया है। हरीश जी, आपने आधा जवाब ले लिया, पूरा जवाब ले लीजिए। अभी तो मैं प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर बोल रहा था, आज अब आपका अगला सवाल है कि मुलायम सिंह यादव जी ने उनको राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत किया, तो ये मुलायम सिंह जी का राष्ट्रीय अधिकार है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय पर क्यों बोल रहे थे? वो तो सवाल ही नहीं पूछा हमने। लेटर जारी करे कार्यकारिणी पर क्यों बोल रहे थे, ये तो प्रश्न ही नहीं पूछा था मैंने। नहीं नहीं, अभी आपने बोला, अभी अभी आपने सवाल किया था कि समाजवादी पार्टी में जिसको निष्कासित किया जाता है उसका प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी करते थे। एक सवाल अरशद आबिद साहब, इस पूरी बातचीत का लब्बो लुआब ये है, अरशद आबिद, अरशद आबिद, और आपकी जानकारी नहीं। हरीश एक सेकंड, ठीक है हरीश जी, हरीश जी, हरीश जी, ये स्थिति क्या बन रही भाई समाजवादी पार्टी में? हरीश श्रीवास्तव जी, अमिताभ साहब देखिए, समाजवादी पार्टी में ये साम आग का खेल चल रहा है और ये परिवार का सत्ता संघर्ष है तो है ही है। ये जो उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा समाजवादी सरकार से टूटा, उससे जो उपजी निराशा है, समाजवादी पार्टी और सरकार दोनों को लगने लगा था कि अब जनता हमको बाहर करने वाली है, और ये जो इनकी उलझन थी उसके उबरने में और उस सत्ता की बंदर बांट की लड़ाई में ये पूरा का पूरा मामला इस तरह से हो गया कि ये समाजवादी पार्टी दो धड़ों में बट गई है और एक धड़ा दो कदम चलता है, दूसरा आगे फिर दो कदम चलता है, ये कुल मिलाकर के साफ बात का खेल चल रहा है। देखिए जिस तरह की जिस तरह का समझौता इस पार्टी दोनों लोगों के बीच आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कराया और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आई और उसके बाद की जो गतिविधियां थी, जिस तरह के अखबारों में इंटरव्यू आ छपे, जिस तरह के बयान आ रहे थे, चाहे वो आदरणीय अखिलेश जी के हों, चाहे आदरणीय मुलायम सिंह जी के हों या शिवपाल जी के हों, उन सारी बातों से पूरी तरह से स्पष्ट था कि ये मामला कहीं न कहीं अभी अंदरूनी तौर पर बहुत असहजता में प्राप्त है। और जो आज अमर सिंह जी को उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव घोषित किया, तो वे इससे बात और स्पष्ट हो गई कि एक तरफ रामगोपाल जी, अखिलेश यादव जी, आजम खान साहब और उनकी यूथ ब्रिगेड है, दूसरी तरफ मुलायम सिंह जी और शिवपाल को उन्होंने ये ताकत देने के लिए किया, क्योंकि शिवपाल जी पहले भी कहते थे कि अमर सिंह पार्टी परिवार का कोई नुकसान नहीं कर सकते, यही आदरणीय मुलायम सिंह जी भी कह रहे थे कि वो अमर सिंह कभी पार्टी का नुकसान नहीं कर सकते और अभी हमने उनको दिए ही क्या है, हाँ। तो राज्यसभा तो कोई उनको दे देता, तो ये जो बातें थी, तो ये कहीं न कहीं ये जो रिफ्ट है ये और गहरी हो गई है और ये कहाँ तक जाएगी इसका जवाब तो आदरणीय मुलायम सिंह जी या शिवपाल सिंह जी या अखिलेश यादव ही दे सकते हैं। नहीं, मुझे लगता शायद उनके पास भी नहीं। हरीश जी, एनालिसिस है, हरीश जी अभी आपको रोक रहा हूँ, दिखाई पड़ रहा अपरेंटली जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद जब लौट कर आऊंगा तो क्या खोया और क्या पाया वाली भी सिचुएशन है। प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव, राज्य संसदीय बोर्ड हेड शिवपाल यादव, अखिलेश के सुसेपे सलार बाहर हो गए, अमर सिंह राष्ट्रीय महासचिव हो गए, अखिलेश का क्या, उनके चेहरे का क्या, उन्हीं के ऊपर तो पूरा दांव है, पूरा सियासी रंगमंच तो अखिलेश यादव के इर्द गिर्द है, चुनाव आपने को उन्हीं के चेहरे पर जीतना है। फिर बड़ा सवाल ये कि अखिलेश यादव की कुछ अहमियत बरकरार रखेंगे या बिल्कुल रसातल में ही डुबो के दम लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें तो की जाएं, अच्छी बातें करना भी चाहिए, लेकिन उनका आधार क्या है, वो बातें कितनी पुख्ता हैं, ये सब जब कसौटी पर कसी जाती है तो निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो बातें हैं फिलहाल वो सिर्फ बातें नजर आती है, क्योंकि बटा हुआ है, झगड़ता हुआ है, कलह है, अविश्वास है, ऐसे माहौल में क्या चुनाव, क्या चुनावी सभाएं, क्या यात्रा और क्या यात्राओं के जरिए संदेश देने की कोशिश। हमारे साथ खास मेहमान हिलाल लखवी कांग्रेस से, हरीश श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से, अरशद आबिद समाजवादी पार्टी से और अमिताभ अग्नोत्री जी एडिटर इन चीफ मौजूद हैं। अमिताभ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कह सकते हैं। इस पे जरा एक फोटो ले लेना जी। मैं इस आबिद भाई को ये बता दूं पहले, तो ये बात साफ हो जाए इस बहस में
समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर की नियुक्ति और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों का निष्कासन रामगोपाल यादव के हस्ताक्षर से होता रहा है। प्रदेश स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों का निष्कासन प्रदेश अध्यक्ष के दस्तखत से होता रहा है। अमर सिंह के मामले में ये नियम तोड़ा गया है, ये समझ ले आबिद भाई, ये आगे बहस में भी काम आएगा, यहाँ भी और बाकी चैनलों में भी उनके काम आएगा अगर वो जाएंगे तो। और एक चीज और, तथ्य बिल्कुल साफ रहने चाहिए, तथ्यों से छेड़छाड़ ठीक नहीं होती। एक और परंपरा का पालन यहाँ पर भी तोड़ा गया है, आपने कहा ना भाई, ठीक कहा ना मैंने अर्शद आबिद, 20 मिनट की डिबेट, मैं यही कह रहा हूँ जो अभी आपने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी निष्कासन करते हैं, लेकिन वो किनका करते हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी होते हैं या जो और स्टेट में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष होते हैं। मैं समझा तो रहा हूं आपको बार बार ये बात, लेकिन आप उसको जो है गलत मोड़ दे रहे हैं, और प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वही निष्कासन करते हैं। आपको पता नहीं, आप गलत तैयारी कर रहे हैं, आपकी जानकारी नहीं की है, नहीं माफ करिए, आपको जानकारी नहीं, आपको नहीं मित्र, नहीं अरे आप नहीं, आपको से क्या पता नहीं ना, अरे नेताजी क्या करेंगे भाई, मैं आपकी पार्टी के लिए बता रहा हूं, आप नेताजी क्या करेंगे, जमा लाके बैठ गए हरीश जी, जिसको समाजवादी पार्टी दूल्हा बनाना चाहती है, कि आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उसके साथ ये व्यवहार लिखकर वो दीवार के सहारे बेचारे को और पॉलिटिकल साइड हमारा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। हरीश जी, अरे ये आपका राजनीतिक विश्लेषण है ना, आप कुछ भी कीजिए अमिताभ जी, कौन रोक सकता है आपको, आपका राजनीतिक विश्लेषण है कि ये हो गया है वो हो गया है। जी अमिताभ जी सवाल पूछे, हरीश जी आवाज आ रही है आप तक, अमिताभ जी सवाल पूछे। हाँ आवाज मैं ये कह रहा था, ये किसी पार्टी में शायद पहली बार हो रहा हो कि जिस किसी पार्टी में ये पहली बार हो रहा होगा शायद किसी भी राजनीतिक दल में कि जिसको आपने आसन्न चुनाव में अपना चेहरा तय किया हो उस चेहरे को ही साथ आप सब होली खेलने पे आमादा हो जाएं। हाँ निश्चित रूप से ये बात जो मुख्यमंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री के फेस हैं कहीं न कहीं ये बात उनको शर्मिंदा करने वाली तो है ही है, और निश्चित रूप से ये जो जिस तरह की बातें जो सड़कों पे खड़े थे लोग, अखिलेश यादव जी के युवा ब्रिगेड के लोग मुलायम सिंह जी का घेराव कर रहे थे और उनका कह रहे थे कि उनको प्रदेश अध्यक्ष पद पे पुनः वापस किया जाए, और जिस तरह से नारे लगा रहे थे, मुझे लगता है कि ये बात आदरणीय मुलायम सिंह जी को ज्यादा चुभ गई, क्योंकि वो आदरणीय मुलायम सिंह जी के भी खिलाफ नारे लगा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये बात अंदर तक चुभ गई, और इसीलिए उन्होंने शिवपाल यादव को और मजबूत करने के लिए और जिनके खिलाफ ये लोग खड़े थे उन्हीं को पदासीन करके ये मैसेज दिया कि देखो असली समाजवादी पार्टी के मालिक अभी हम ही हैं, और जो इस तरह के लोग विरोध में आवाज उनके उठा रहे थे उनको उन्होंने दरकिनार करने का एक प्रयास किया इसमें। जी एक बात जो मुझे लगता है कि अर्शद आबिद साहब को जो चेहरा में पड़ रहा है, नकवी साहब जो सवाल मैंने हरीश जी से पूछा वही आपसे पूछता हूं, आपने क्या अपने अपने राजनीतिक जीवन में कभी ये देखा कि चुनाव को 4 महीने बचे हो और जो चुनाव का चेहरा हो उसी चेहरे पर सब लोग होली खेलने लगो? अमिताभ जी हम पहले भी ये बात कह चुके हैं और निश्चित रूप से ये जैसे हमारा मानना है कि ये समाजवादी पार्टी में जो भी हो रहा है जो भी वो कर रहे हैं और जिस तरह से अखिलेश यादव जी को जो है वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उनको जिस तरह से ये बता रहे हैं कि वो फैसला नहीं ले सकते हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो कोई भी फैसला जो है वो सही तौर पे ले, और तो और वो मंत्रिमंडल में किसको मंत्री रखेंगे किसको मंत्री नहीं रखेंगे ये फैसला तक की लेने का उनके पास लियाकत नहीं है, ऐसा जो है वो मुलायम सिंह यादव जी और शिवपाल यादव जी ने जनता को एक मैसेज दिया है। निश्चित रूप से अपने आप में ये अखिलेश यादव जी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए
कि जिसको जो चेहरा बनकर के इस लड़ाई को लड़ने जा रहा था, जो चेहरा बनकर के यूपी के इलेक्शन में आने जा रहा था, वो चेहरा जो है उस चेहरे की काबिलियत पर उनके पार्टी के अंदर उनके पिताजी और चाचा जी ही प्रश्न चिन्ह लगाए हुए हैं, एक बात। दूसरी इसके ना महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां तक कि अखिलेश जी का सवाल उठता था, अब तक उनके लिए उनके खिलाफ जो विपक्ष का आरोप था वो मात्र ये था कि ये जो है कानून व्यवस्था इन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दी, उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। तो आज ये समझ में आता है कि शायद वो ठीक है, क्योंकि जब उनको निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो हमारा प्रश्न जो है वो माननीय नेताजी से है कि ऐसा व्यक्ति जो सही निर्णय नहीं ले सकता है, जिसको आपने भी सिद्ध किया है कि वो सही निर्णय नहीं ले सकता है, उसको 4.5 साल तक की जनता के ऊपर क्यों मसल्लत कर दिया, क्यों जनता को जो है वो 4.5 साल तक की ऐसे व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया गया है प्रदेश को, 22 करोड़ आबादी को, जिसके अंदर इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो ये पहचान सके अध्यक्ष होने के नाते या मुख्यमंत्री होने के नाते कि वो किसको जो है वो पार्टी में रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, या किसको मंत्रिमंडल में रखेंगे और किसको नहीं रखेंगे। तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता के सामने माननीय अखिलेश जी का ये चेहरा जो है, जिसके ऊपर पहले यहाँ शक था लोगों का, उसके ऊपर मोहर लगाने का काम जो है वो माननीय नेताजी ने किया है। और निश्चित एक बात हुई जी आबिद भाई, एक सवाल जी अर्शद जी, अर्शद आबिद भाई, एक सवाल आपके लिए है मेरे जहन में। मुझे ये बताइए, एक जो बात राहुल गांधी ने पूछी वो बात मुझे अच्छी लगी, सवाल अच्छा है राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि अगर गायत्री प्रजापति भ्रष्ट था इसलिए हटाया गया तो फिर वापस क्यों लिया गया, और अगर भ्रष्ट नहीं था तो हटाया क्यों गया था। अर्शद आबिद साहब, देखिए अमिताभ जी, ये जो कांग्रेस और भाजपा है ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि अगर सबसे ज्यादा बेईमानी भ्रष्टाचार किसी ने किया है तो कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने किया है। इनके डीएनए में करप्शन है। 70 साल देश को आजाद हुए हो गए और मुल्क में कम से कम 2200 घोटाले हुए डिस्ट्रिक्ट वाइज। मैंने जो सवाल पूछा मालिक उसका जवाब दो, नहीं आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। समाजवादी पार्टी आबिद साहब, मेरी बहस का स्वरूप समझिए। अर्शद आबिद, मेरी बहस का स्वरूप समझिए मित्र, पिन पॉइंटेड सवाल और उसका ही उत्तर चाहिए मुझे। इन्होंने देश को करप्शन दिया है, बेईमानी दी है इन्होंने देश को। अर्शद आबिद साहब, मैं आपसे गुजारिश करूं, ये लोग इन्हें देते अर्शद आबिद सिद्धांत की बात नहीं करनी चाहिए। अर्शद आबिद, मेरी बात को समझिए, मेरे प्रश्न का उत्तर ही मेरी बहस में होगा। जी अमिताभ भाई, अमिताभ भाई, इन्होंने समाजवादी पार्टी पर इतने आरोप लगाए, आपकी बहस है। पहले मैं आपको साफ कर दूं कि पहले कांग्रेस समझते हैं और कांग्रेस के नेता इस डिबेट को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी पे आरोपों की बौछार कर दी। जब ये इतने काबिल हैं, इनकी नीतियां इतनी अच्छी हैं बीजेपी कांग्रेस की, तो जनता इनके लात क्यों मारती है, इन्हें समर्थन क्यों नहीं देती, इन्हें सत्ता क्यों नहीं देती। जनता क्यों बाहर है, क्यों बाहर है इनकी जवाबदारी। 2014 में कांग्रेस की अध्यक्ष की जनता ने आपको टेंडर घोटाले का आरोपी है और 2000 रुपए घोटाला हुआ है। आपको भी है मुकेश कुमार मीना नोटिस जारी कर दिया है 4 घंटे तक लगातार मछली बाजार और मुर्गा लड़ाने में जनता इन्हें और चर्चा करने में फर्क होता है। इनका सफाया कर अर्शद आबिद साहब, 2012 के चुनाव में अर्शद आबिद साहब 10 MLA आ गए, 10 MLA कांग्रेस के नहीं आएंगे, क्योंकि ये बेईमान लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, करप्ट लोग हैं। अर्शद आबिद साहब बार बार आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी। अर्शद आबिद साहब, ना तो ये मछली बाजार है और ना ही यहाँ पर मुर्गे लड़ाए जा रहे हैं। जो बात अमिताभ जी ने कही है, सीधा सा सवाल और उसके सीधा सा जवाब। मनीष, अर्शद आबिद साहब से ये सवाल, उनसे सवाल पूछिए जी।
कि गायत्री भ्रष्ट था इसलिए हटाया गया तो वापस क्यों आया, और अगर भ्रष्ट नहीं था तो हटाया क्यों? ये प्रश्न का उत्तर चाहिए। भाजपा बसपा के लोगों ने कौन है सचिवा कांग्रेस का एक्स होम मिनिस्टर एक्स एमपी है, कौन है संगीत सोम, कौन पूरे बच्चों के बारे में बराक ओबामा कौन है, डोनाल्ड ट्रंप कौन है, ये चर्चा कर रहे हैं। अरशद आबिद हरीश्रीवास्तव जी अरशद आबिद हरीश्रीवास्तव जी आपको रोक रहा हूँ। बहरहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, मुझे लगता ब्रेक के दौरान पानी पीजिए आप। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक में आप पानी पीजिए, थोड़ा सा ठंडे हो जाइए। और मैं ये कह रहा हूँ, ये ना तो मछली बाजार है ना ही यहाँ पर मुर्गा लड़ाए जा रहे हैं। यहाँ पर चर्चा है, गंभीर चर्चा है, सार्थक चर्चा है, और जो सवाल हो उसके जवाब दीजिए। अमिताभ जी ने साफ तौर पर यह कहा कि भाई गायत्री अगर ईमानदार थे तो हटाए क्यों, और अगर भ्रष्टाचार युक्त तो मुक्त जो कुछ भी थे तो फिर उनको वापस लाए क्यों। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, अमिताभ अग्नोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, हरीश श्रीवास्तव जी, अरशद आबिद और हिलाल नकवी भी मौजूद हैं, और चर्चा बिल्कुल सार्थक दिशा में है, और आपसी बहस का केंद्र न बनाते हुए सार्थक चर्चा की जाए तो ज्यादा बेहतर है। अमिताभ अग्नोत्री ने सीधा सा सवाल ये पूछा था, और उसको बहुत सिंप्लीफाई मैं अगर कर दूं अरशद आबिद साहब, एक सवाल का जवाब, एक तो गायत्री प्रसाद प्रजापति को लेकर सीधा सा सवाल था, इसको इधर उधर मत घुमाइए, सीधा जवाब दे दीजिए, तो मुझे लगता है कि दर्शक भी समझेंगे कि अरशद आबिद साहब भी जवाब देना जानते हैं। और दूसरा ये कि माननीय श्री मुलायम सिंह यादव को अगर आपकी नजर में हस्तलिखित कोई नियुक्ति पत्र जब से अखिलेश यादव आए हैं या जब से ये कंप्यूटर आया है तब से किसको दिया हो, जरा मुझे तीन चार नाम बता दीजिए ताकि हम भी खुश हो जाएंगे कि भाई चलिए मुलायम सिंह यादव अपने हाथ से नियुक्तियां करते रहते हैं और बांटते रहते हैं। ये दो सवाल हैं, दो 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 सवाल हैं प्रॉपर अरशद आबिद साहब। चलिए मैं आपके सवालों का जवाब दे देता हूं। जी हाँ जी जी, देखिए मनीष जी और अमिताभ जी, आप भी समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा संगठन है, और समाजवादी पार्टी और परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी हैं। तो परिवार में चाहे आपका परिवार हो, मेरा परिवार हो, दो मेंबर हो या दस मेंबर हो, कहीं ना कहीं छोटी मोटी नाइंसाफी और गलतफहमी हो जाती है। यही गलतफहमी बलराम यादव जी को हटाने के लिए हुई, और यही गलतफहमी गायत्री प्रसाद प्रजापति जी को हटाने के लिए हुई। गलतफहमी दूर हो गई तो उनको मंत्रिमंडल में वापसी लिया जा रहा है, तो इनमें कौन सी बड़ी बात है? ये भ्रष्ट पार्टियों के लोग हमारी ईमानदार सरकार पे आवाज उठाते हैं, खिलाफ बोलते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, समाजवादी पार्टी की मंत्री को सरकार 1990 सरकार गलतफहमी पर चल रही है क्या? आप अरशद आबिद बता दीजिए जो भट्टाचार्य के आरोप, अरशद आबिद और आप सरकार चला रहे हैं या घर का किचन चला रहे हैं? पत्र की हस्तलिखित नियुक्ति पत्र, अरशद आबिद मैं जवाब दे रहा हूँ, अरशद आबिद आप सरकार चला रहे हैं या घर की किचन चला रहे हैं? गलतफहमी पर सरकार चल रही है क्या मरीज भाई? गलतफहमी पर सरकार चल रही है क्या? सरकार के निर्णय गलतफहमी में हुआ करते हैं क्या मरीज भाई? बड़ा तमाशा है, सरकार गलतफहमी में मंत्री हटा देती है और फिर गलतफहमी दूर करके मंत्री ले आती है, क्या कर रहे हो? आपको मंत्रियों के बारे में भी गलतफहमी हो जाती है क्या? सरकार है कि तमाशा है? फिर मैंने पहली बार सुना, पहली बार भी हुआ किसी राजनीतिक दल से सरकार में हो कि मंत्री को गलतफहमी के चलते हटा दिया गया, ये पहली बार सुना हूं मैं। 50 बार हुआ है, गुजरात में भी हुआ, गुजरात में जो मंत्री हटाए गए थे फिर वापिस ले लिया गया, राजस्थान में जो मंत्री हटाए गए थे फिर वापिस ले लिया गया, महाराष्ट्र में जो मंत्री हटाया गया फिर वापस ले लिया गया। दूसरा सवाल, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा गलतफहमी में हटा दिया था, ये किसी राजनीतिक दल ने कभी नहीं कहा कि हमने गलतफहमी में हटा दिया, ये आप हो भैया महान। दूसरा सवाल अरशद आबिद, दूसरा सवाल अमिताभ जी, मनीष बहस आगे बढ़ाइए भैया, समय कम है जी। ये मैंने सुन लिया, नेताजी है सबसे ऊपर, ये बात तो सुन ली। देखिए मनीष जी, अब अगला सवाल है, अमर सिंह जी को जाएंगे समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी, ऐसे आदमी कोई सवाल, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ठीक है अमर सिंह जी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है और हस्तलिखित चिट्ठी जारी कर दी है, तो इसमें कौन सा सवाल खड़ा हो गया? अरे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो टाइप करवाए हस्तलिखित जारी कर दें, इनमें कौन सा फर्क पड़ जाता है? हिलाल नकवी साहब संक्षेप में आपकी टिप्पणी लेना चाहेंगे जी जी, हिलाल नकवी साहब फाइनल कमेंट आपका लेना चाहेंगे, फाइनल कमेंट जी। देखिए हम अरशद साहब की इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चाहे यादव सिंह को ले ले पार्टी में,
चाहे नरेंद्र अग्रवाल को ले ले जो बिचौलिया था, पकड़ा गया था, जो ट्रांसफर पोस्टिंग कराता था, चाहे वो अमर सिंह साहब को ले ले, चाहे गायत्री प्रजापति जी को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उसको मंत्री बना दे, तो निश्चित रूप से ये इनका अपना अधिकार क्षेत्र है और इसके अंदर जो है विपक्ष है उसको बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब हम सरकार की बात करते हैं तो हम सब लोगों को बोलने का अधिकार है। हम सब लोग ये निश्चित रूप से पूछेंगे कि आपने एक व्यक्ति के ऊपर जिसपे सीबीआई की इंक्वायरी की बात हो रही है, जिसने लाखों करोड़ रुपए का चूना लगाया है खनन में, इसी कारण से उसको हटाया गया और उसके बाद में फिर रातों रात वो जो है वो पाक साफ हो गया और वो वापस आ गया, तो यहां पे प्रश्न उठेगा और वो भी वापस मुख्यमंत्री नहीं लेकर के आए। मुख्यमंत्री जो है वो जनता का है, पार्टी किसी की भी हो, मुख्यमंत्री जनता की है, जनता ये सवाल उठाएगी और निश्चित रूप से इस सवाल का जवाब जो है वो आपको 2017 में मिलेगा। हरीश श्रीवास्तव जी, फाइनल कमेंट आपका चाहेंगे, जो बटा हुआ बिखरा हुआ ये परिवार नजर आता है, आएंगे हिलाल भाई। चलिए ठीक है, हरीश श्रीवास्तव जी फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में। मनीष जी जी, उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा तोड़ा है और उत्तर प्रदेश की जनता को बुरी तरह निराश किया है, जिस जनता ने इनको बड़े उत्साह के साथ 2012 में अपनी कमर थोपी थी, किया है और इस धोखे का जवाब भी उत्तर प्रदेश की जनता ही इनको देगी। जी अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी हम आपकी चाहेंगे इस पूरे के पूरे इश्यू को लेकर और ये पूरा परिदृश्य क्या कहता है। जब्त हो जाएगी बीजेपी की और समाजवादी पार्टी को जनता दोबारा से समर्थन देगी और 255 सीट। मनीष, दो तीन चीजें बड़ी साफ हैं, मैं अपने सारे मेहमानों से कहूंगा थोड़ा शांति से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। दो तीन चीजें बड़ी साफ हैं, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता यहां आए उन्होंने भी मान लिया कि सरकार गलतफहमी से ही चल रही है। अच्छी बात है, चलो देर आए दुरुस्त आए, सच मान लिया गलतफहमी की सरकार, आज से ये नारा दे दो, ठीक बात समझ गए, अच्छी बात है जो अरशद आबिद ने कहा। लेकिन इन सब में मेरी रुचि नहीं, मेरी रुचि इस बात में है कि मुख्यमंत्री के पद का अवमूल्यन हो रहा है। मैंने परसों भी कहा था व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण नहीं, व्यक्ति अरशद आबिद का आंतरिक मामला हो सकता है पार्टी का, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद किसी पार्टी का आंतरिक मामला नहीं, वो 22 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ मसला है और हर नागरिक को अधिकार है प्रदेश के उस पर सवाल पूछने का। अगर मुख्यमंत्री, मुझे पता नहीं कितना संविधान पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है हमारे समाजवादी पार्टी के मित्रों ने, लेकिन भारत का संविधान मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को मंत्री चयन का निर्द्वंद अधिकार देता है, निर्वाध अधिकार देता है, कहीं ये नहीं लिखा कि पार्टी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है मंत्री, कहीं नहीं लिखा। और आप सार्वजनिक मंच से मंत्री को नियुक्त कर देते हो, कहते गायत्री का हटाना गलत था और वापस कर दिया हमने गायत्री, ठीक। मुख्यमंत्री का पद का अवमूल्यन है और समाजवादी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, ये पार्टी इस स्थिति में आज पहुंच गई कि अपने ही मूर्ति को जिसने 4.5 साल में जिसको इस पार्टी ने गढ़ा उसी चेहरे को ध्वस्त करने पर आमादा है। और रही बची कसर अब पूरी हो जाएगी जब अमर सिंह जी आ गए, अब तो कोई कहने ही नहीं। और अरशद आबिद साहब से मैं एक बात और बता दूं जो मैं कह रहा था शुरुआत में, लड्डू खरीद के रख लो, मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी भी आने वाले हैं, उनकी अगवानी के लिए तैयार रहो, 3 से 5 दिन के भीतर वो भी आ जाएंगे। चलिए बहुत तो तैयार रहो। और एक भविष्यवाणी और करके अपनी बात खत्म करूंगा, दीपक सिंघल जी भी अच्छे दिनों की आस में फिर से आ गए हैं। आज जो घटनाक्रम हुआ उससे दीपक सिंघल जी भी अच्छे दिनों की उम्मीद से हो गए हैं, वो भी उम्मीद से है। अर्शद जी, दो खबर आपको देके जा रहा हूं। चलिए बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये सियासत है और सियासत में सत्ता के लिए सब कुछ कुर्बान होता है और निश्चित तौर पर बड़ा मसला अखिलेश यादव के लिए है कि आखिरकार कब तक, सवाल ये है आखिरकार कब तक सब ऐसे ही चलता रहेगा और कब तक आप यूं ही सहन करते रहेंगे और बस टीवी स्क्रीन पर आप मुस्कुराते हुए नजर आते रहेंगे। प्राइम टाइम में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।